साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप थाल एजुकेशन में। दोस्तों, हमने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो करंट जीके है 2019 की वो कवर करेंगे। तो इसमें आपको जो है इंडिया के, वर्ल्ड के और जो भी करंट में जो घटित हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो इसका पहला भाग है, तो अगर आपको पसंद आता है तो मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हैदराबाद ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है सौरभ वर्मा ने। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है सौरभ वर्मा, इन्होंने पहली बार हैदराबाद ओपन का खिताब जीता है। तो 26 साल के सौरभ ने जो है सिंगापुर के लो किन यू को हराया है। नेक्स्ट है, वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, ये हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 मैच की सीरीज के दूसरे वनडे में 120 रन की पारी खेली थी। तो इसके साथ ही विराट ने जो है सौरव गांगुली के 11,363 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं और भारत के दूसरे। तो पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर है जो कि 18,426 रन बनाए थे उन्होंने। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गोगा बिल को। नेक्स्ट है, विश्व संस्था वर्ल्ड आर्चरी ने किस तीरंदाजी संघ को निलंबित कर दिया है? तो ये किया है भारतीय तीरंदाजी संघ को। तो भारतीय तीरंदाजी संघ को विश्व संस्था वर्ल्ड आर्चरी ने निलंबित कर दिया है और यह फैसला 5 अगस्त से लागू हुआ है। नेक्स्ट है, किस योजना के द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई है? तो ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में जो है 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने मिलने वाली पेंशन की अभी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो राज्य के सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेस नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों, रेस की फुल फॉर्म है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज एंड कॉलेजेस विद एक्सीलेंस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो हर साल 12 अगस्त को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय युवा दिवस है यानी कि जो भारत में मनाते हैं वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये ध्यान कीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है इसका उद्देश्य देश के युवाओं का सरकार के मुद्दों और उनकी बातों का ध्यान आकर्षण करना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जब सबसे पहले 2000 में मनाया गया था, तो 2000 वर्ष 2000 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े तोते का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो ये मिला है न्यूजीलैंड में। तो वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड में विश्व के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म का पता लगाया है और यह 1 मीटर लंबा और 7 किलो वजनी था। तो वैज्ञानिकों ने इसे हेराक्लीज इनक्सपेक्टस नाम दिया है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने सबसे धनी परिवारों के पास लगभग जो है 99 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है? तो ये है 25 अमीर परिवार। तो ब्लूमबर्ग ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये की है झारखंड ने, ऑप्शन बी आंसर है। तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने किया था। तो इस योजना के तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक के कृषि योग्य जमीन होगी उन्हें 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वृक्षारोपण महाकुंभ का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में जो इस अभियान के तहत
12.2 लाख स्थानों पर 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। नेक्स्ट है, भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब से शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी 1 जून 2020 से। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी और इस योजना को लागू करने के लिए जो है केंद्र ने राशन कार्ड की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात से हुई है। नेक्स्ट है, हारमोनी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है हुआवे ने। तो हुआवे दोस्तों चीनी कंपनी है और इसने जो है वो अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो हुआवे ने इसे हांग मैंग ओएस नाम दिया है और इसका ग्लोबल नाम जो है वो हारमोनी ओएस रखा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 9 साल की बच्ची को ग्रीन मिशन का एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया है मणिपुर में। ऑप्शन डी आंसर है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 साल की बच्ची एलेंगबाम वेलेंटिना देवी को मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी जीवित देसी भाषाएं जो इस समय मौजूद हैं? तो ये है 453। तो इस समय भारत में 453 जीवित देसी भाषाएं मौजूद हैं। तो ये जो है एथनोलॉग जो कि एक भाषा निर्देशिका है उसके अनुसार विश्व में कुल 7111 जीवित भाषाएं हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ष 2019 को देसी भाषाओं का वर्ष घोषित किया हुआ है और सबसे ज़्यादा भाषाएं जो है वो है पापुआ न्यू गिनी देश में। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच जल संसाधनों के उपयोग के लिए समिति का गठन किया गया है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी आंसर है। तो भारत और बांग्लादेश ने जो है वो फैनी, गुमती और तीस्ता सहित 8 नदियों के लिए अंतरिम जल साझाकरण समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, ई शासन पर 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है शिलोंग में। ऑप्शन ए आंसर। तो मेघालय के शिलोंग शहर में 8 और 9 अगस्त 2019 को 22वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा मेघालय सरकार के सहयोग से किया गया था। इसका विषय जो है डिजिटल इंडिया, सफलता से उत्कृष्टता रखा गया था। नेक्स्ट है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कीर्ति सुरेश को। ऑप्शन सी आंसर है। तो अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को उनके जो है फिल्म तेलुगु फिल्म मेहनती में अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों ये है आयुष्मान खुराना। ऑप्शन डी आंसर है। तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आयुष्मान खुराना को अंधाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्मों के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये दिया गया है अंधाधुन को। ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट है, अब तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक जो है 48 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और सबसे पहला भारत रत्न सम्मान जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित कितनी हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार अभी दिया गया है? तो ये है 3 हस्तियों को। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 9 अगस्त 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया था और उनके अलावा भारतीय स्वयं सेवक संघ के विचारक नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो प्रणब मुखर्जी है यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 5वें राष्ट्रपति है और उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, किस बिल के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस सरकार नियंत्रित करेगी? तो ये है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है वो इसको बिल को मंजूरी दे दी है और इससे केंद्र सरकार देश भर के निजी मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटों की फीस जो है वो नियंत्रित कर सकेगी। नेक्स्ट, देश के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में कल्चरल हब बनाया जाएगा? तो ये है त्रिपुरा के अंदर। ऑप्शन सी आंसर है।
तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच में जो है सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में एक कल्चरल हब बनाया जाएगा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो है विपुल कुमार देव ने यह बात जो है वो मीडिया में कही है। तो राज्य सरकार ने 19 जनजातियों के पारंपरिक जीवन और संस्कृति को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने को जो है प्राथमिकताएं दी है। नेक्स्ट है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो शहर मेट्रो जो है वो किस शहर में शुरू होगा? तो ये होगा कोलकाता में। ऑप्शन ए आंसर इसका। तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है वो जल्द ही कोलकाता में हुगली नदी के बीच नीचे जो है वो चलाई जाएगी। तो दोस्तों कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये हैं आज के इस सीरीज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे आप जो है लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो मैं आगे भी इसमें और वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।